पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति यात्रा लाडवा हलके के गांव उमरी पहुंची। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सहित इनेलो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले करीब 154 वादे किए थे, जिनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। हुड्डा ने भाजपा सरकार को झूठ की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो के कार्यकाल में प्रदेश में लूट मची थी और भाजपा के राज में झूठ की धूम मची हुई है। उन्होंने कहा कि यह तो लूट और झूठ की सरकार रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को गिनवाया और कहा कि अगर उनके सरकार प्रदेश में बनती है तो बिजली फूल और बिल के दाम आधे, इसके अलावा बुजुर्ग पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। उमरी गांव का नाम पूरे देश में जाएगा। देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है, सरकार प्रजातंत्र है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया देश में भी और प्रदेश में भी, उसकी सरकार बनी और आज क्या हालात है। क्यों बनी उसकी सरकार? क्योंकि उसने सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 154 वायदे किए थे लोगों से, किसानों से अलग, गरीब आदमी से अलग, व्यापारियों से अलग, बेरोजगारों से अलग। इन 4 साल के बाद आज क्या देखा? एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और यही कारण है आज हर वर्ग इससे विमुख हो गया। भाई देखो, प्रजातंत्र सरकार बनी तो उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि आपने इतने काम किए, इतना किसान को भाव दिया, गरीब आदमी के इतने प्लॉट दिए, सौदोबत के ऐसे इतनी संस्थाएं बनाई, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन फिर भी आप हार गए और भाजपा की सरकार बनी। मैं कोई बात नहीं, प्रजातंत्र है भाई, इसमें दोनों का फायदा है, लोगों का भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो कहने जी लोगों में क्या फायदा है? और लोगों का फायदा यह है कि हमारे से पहले भी सरकार देखी तो लोगों का चलाएगी, अब हमारी देखनी और अब भारतीय जनता पार्टी की देखनी, इनको भी तोड़ने का मौका मिल गया। तोड़ लेंगे, दोनों से अच्छी सरकार ने जब काम किया उसके साथ चल देंगे। बोला आपको क्या फायदा हुआ? अबे मेरे को भी ये फायदा हुआ, मेरे को भी मौका मिला है, अपना और पराया बचाने का मेरे को भी मौका मिला। मेरा मतलब यह है कि लोगों ने तोड़ के देख लिया, लोगों ने तोड़ के देख लिया तीनों सरकार, मार से पहले की भी, हमारी भी और अब की भी। और किस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो मिली जुली सरकार आज चल रही है हरियाणा में, वैसे तो अलग अलग है विपक्ष और पक्ष, इनेलो और भाजपा, मिली जुली सरकार है, इन दोनों की सरकार है। देख ली एक सरकार तो लूट थी, जो पिटाला सरकार में तो लूट थी, हरियाणा को लूटा, और ये भाजपा की सरकार क्या है? झूठ है। तो लूट और झूठ कठी हो रही है भाई, क्या हरियाणा इस बात से लोग देखते हैं। और यही कारण है कि हमारे उत्साह समर्थन मिल रहा है। आज महीने पहले मैं यहां आया पीपली मंडी में, आलू का सीजन था और जब मैं गया वहां इस मंडी की दुकान पर तो मैंने रसीद देखी तो किसान का आलू 9 पैसे किलो बिका, एक्स्ट्रा ना कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स था और ना भाई ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स था। आज टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, फाइल बेबी टैक्स।